गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 10 तक 6 to 10 पढ़ाया गया है आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्जाम, और हम लोगों ने 7th चैप्टर का रिवीजन कल समाप्त किया, और आज हम लोग उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखेंगे, यानी रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में इस चैप्टर को समाप्त किया गया, एक बार मैं फिर आपको चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट में एक बार इसको दोहरा दूँ। ग्रीनलैंड के बारे में क्या क्या बातें आपके समझ में आई, ग्रीनलैंड के बारे में जो मुख्य बातें हैं उसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह फ्रिजिड जोन का हिस्सा है, यानी यह फ्रिज जोन में पड़ता है, सबसे ठंडा जोन जो होता है ना, फ्रिज जोन, जिसमें यह ग्रीनलैंड आता है, और यह आइलैंड है। सबसे बड़ी बात कि संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है, और इस पर डेनमार्क का कब्जा था, है ना, 1380 में कब्जा हुआ, फिर बाद में जाके जो है 1981 में काफ़ी लंबे समय के बाद होम रूल की स्थापना हुई और ग्रीनलैंड का नाम चेंज करके अलग नाम हो गया, कालालेक नूनक, और न्यूक को इसका कैपिटल बनाया गया। ठीक है, लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यह नॉर्थ अमेरिका है ना में आता है। उसके बाद मैंने आइसबर्ग के बारे में बताया, जिसको मैं ख्याल से दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ आइसबर्ग के बारे में, है ना, कि आइसबर्ग, द फ्लोटिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग, अबाउट 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज अंडर वाटर एट द एंड एंड दे आर डेंजरस फॉर शिप्स। ओके, क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, फ्रिजिड जोन में आता है, तो ऑब्वियसली है कि इसका क्लाइमेट जो है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड होता है समर सीजन का, बहुत छोटा पीरियड होता है। ठीक है, 8 से 9 महीने साल में जो है वो बर्फ से ढका रहता है यह क्षेत्र। वेजिटेशन वेरी लो है ना, लेकिन वाइल्ड लाइफ के मामले में यह रिच है, यानी वाइल्ड लाइफ कई प्रकार के यहाँ पे जानवर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जानवर पाए जाते हैं जिनका शरीर इस एक्सट्रीम कोल्ड, इस सीवियर कोल्ड को झेल सके, बर्दाश्त कर सके, है ना। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि ये इस अत्यधिक सर्दी को भी बर्दाश्त कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें एक आर्कटिक टर्न है जो इसका लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट होता है, जो लंबे दूरी तक यात्रा करके दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं अत्यधिक ठंड से बचने के लिए। यहाँ के लोगों को एस्किमो कहा जाता है, और उसका बाद में नाम पड़ा इनुइट्स। एस्किमो का मतलब मैंने आपको बताया था ईटर ऑफ रॉ मीट, और बाद में इसका नामकरण हो गया इनुइट्स, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, एस्किमोज छोटे हाइट के लोग होते हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है औरों से, है ना, और ये बेसिकली ये हंटर्स होते हैं, एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, और जानवरों पर या मछलियों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, है ना। और ये ऐसे, ये इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो इनके शरीर को अत्यधिक ठंड से बचा सके। बर्फ से बने हुए घर में ही रहते हैं एस्किमोस, जिसको इग्लू कहा जाता है, और यह बर्फ से बना हुआ घर अंदर से गर्म होता है, और ये जो है 5-7 घरों के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक टनल के माध्यम से इसको कनेक्ट करते हैं, और एक घर घर से दूसरे घर में ये आसानी से अंदर ही अंदर चले जाते हैं, इनको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली ये एनिमल ये स्किन का यूज़ करते हैं, गर्मी के सीजन में टेंट बनाते हैं, टेंट गाड़ के रहते हैं ये, उसमें एनिमल स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हंटिंग मेन इनका हंटिंग वेपन होता है, जिसको हार्पून कहा जाता है। स्लेजेस, जो रेंडियर के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है, जिसको स्लेज कहा जाता है ना,
कैक और ओमियन जैसे बोट का इस्तेमाल ये करते हैं, और ये लगभग जानवर के हर एक पार्ट का, ऑर्गन का, बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, उसके ब्लड का सूप बना के पीते हैं, टेंडन्स और बोन से थ्रेड और नीडल्स का यूज बनाते हैं, है ना, स्किन का यूज करते हैं क्लॉथ, टेंट और बोट के लिए, ठीक है। इसके फैट को ये लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी मछलियों का जो फैट होता है, चर्बी जो होती है, उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, और मीट का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी इज यूज्ड बाय एस्किमोज, ठीक है। Sledge is the most popular means of land transport and it is pulled by reindeer or huskies. Major cities, Newcastle is the biggest town of Greenland with a population of more than 13,000 people. Hustenberg is the port town of Greenland and has a big CPI. New जो है सबसे बड़ा टाउन है ना, और Hustenberg जो है port town है, जहाँ पे बंदरगाह है और जहाँ big CPI है, जहाँ CPI का मतलब यहाँ पे जहाज का आवागमन होता है, उसको शिपयार्ड कहते हैं, जहाँ से जहाज आता और जाता है उसको शिपयार्ड कहा जाता है। और वैफिन बे और डेविस स्ट्रीट ये जो है अलग करता है ग्रीनलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा से, ठीक है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अब ये लोग जो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज होती है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क, लाइब्रेरीज, all are present in many villages and towns. Instead of living a nomadic life, they are nomadic life. People live and work in towns. They export fur and tin fish. They send their children to school and there is compulsory education for children up to 14 years. 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, उसके बाद जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है ये सारे इस्तेमाल करते हैं। हार्पून के जगह अभी स्क्यूडोज का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मोटराइज स्लेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्क्यूडोज कहा जाता है। पहले जो स्लेज रेंडियर या स्कीच के द्वारा खींचा जाता था, अब ये मोटर के द्वारा खींचा जाता है, जिसको स्क्यूडोज कहा जाता है। और हार्पून के जगह ये राइफल का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है, और मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आपका ग्रीनलैंड के बारे में आप आसानी से किसी को शॉर्ट में आप सारी चीज़ें जो मुख्य बातें हैं ग्रीनलैंड के बारे में आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे ठंडा रीजन क्षेत्र कौन सा है, दैट इज टंड्रा रीजन। टंड्रा रीजन इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक, न्यूक इज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड। थर्ड वन इज द मोटराइज स्लेजेस आर कॉल्ड, मोटराइज स्लेजेस को क्या कहा जाता है, स्किडोज कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मोटराइज स्लेज को स्किडोज कहा जाता है। द स्नो हाउसेज इन विच द इनुइट्स लिव आर कॉल्ड इग्लूज। फिफ्थ नंबर, अमाउंट ऑफ आइस मूविंग इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग, अमाउंट ऑफ आइस मूविंग इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीनलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर कॉल्ड इरिक द रेड, जिसने खोज की ग्रीनलैंड की उस एक्सप्लोरर का नाम था इरिक द रेड। बैफिन बे सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कैनेडा, बैफिन बे अलग करता है ग्रीनलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कैनेडा से। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, थर्ड में है, ग्रीनलैंड इज द डैश आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। फोर्थ नंबर, द फ्लोर ऑफ एन इग्लू इज कवर्ड विथ, इग्लू का जो फ्लोर होता है, जो सतह होती है घर की, वो किससे कवर होता है, एनिमल स्किन से कवर होता है, तो आप भरेंगे एनिमल स्किन। लार्ज बोर्ड्स यूज बाय द स्कीमोज आर कॉल्ड उमियाक। मैच द फॉलोइंग में, ब्लॉक ऑफ आइस है क्या कहा जाता है, ब्लॉक ऑफ आइस को क्या कहते हैं आप, आइसबर्ग कहते हैं। एस्किमो हाउस को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है, आर्कटिक टर्न है। मोटराइज स्लेज को क्या कहते हैं, स्किडोज कहा जाता है। और स्मॉल बोट को क्या कहा जाता है, तो मैंने
MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, यहाँ तक कंप्लीट करा है। चलिए एक बार ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। ग्रीनलैंड वॉज कैप्चर्ड बाय डेनमार्क इन 1953, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ड्यूरिंग समर द स्कीमोज लिव इन टेंट्स कॉल्ड क्यूबिक्स, ट्रू स्टेटमेंट है। इस गर्मी के समय में स्कीमो टेंट में रहते हैं जिसको क्यूबिक कहा जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रीनलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, फॉल्स, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, है ना, यहाँ पे फॉल्स लिखा गया है। अस्लेज इज पुल्ड बाय रेंडियर्स और हस्कीज, ट्रू। द वर्ड स्कीमो मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉल्स। द वर्ड मैंने आपको बताया था कि स्कीमो का मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, और इन्यूट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये लास्ट वाला। अच्छा और भी है आगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। द बर्ड विद द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट इज आर्टिक टर्न। अ स्मॉल बोट मेड ऑफ सील स्किन इज नोन एज क्याक। द मेन हंटिंग वेपन ऑफ स्कीमो इज हार्पून। द लार्ज फ्लोटिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस इन सी, आइसबर्ग। द टेंट्स यूज बाई स्कीमोस टू लिव, क्यूपिक्स। तो इस तरह से ये चैप्टर का रिविजन समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे। 8th चैप्टर है आपका द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, इसको हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, है ना, बीच में स्टार्ट करना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग फ्रेश से कल जो है स्टार्ट करेंगे इसको। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।